साथियों, हमारे बाकी साथी कह चुके हैं, हमने बार बार आपके माध्यम से कहा है कि सेना का शौर्य और उसकी प्रतिबद्धता पर तो कभी कोई सवाल ही नहीं था। सेना किसी पार्टी की नहीं होती है, देश की सेना है साहब, उसके पीछे खड़े हैं। लेकिन अपनी डिप्लोमेटिक फेलियर को सेना के पीछे मत छुपाओ, और ये कोशिश आप लगातार कर रहे हैं। यही देश था, 62 में युद्ध चल रहा था, नेहरू ने सदन रखा। सदन किस चीज के लिए है? दूसरी चीज जो बिहार में, पूरा बिहार का मानस आहत है। परसों जब मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ तो माननीय नेता सदन पीयूष गोयल जी ने कहा, इनका बस चले तो पूरे देश को बिहार जैसा बना देंगे। मैं सरकार से आग्रह कर रहा था कि कॉरपोरेट इंटरेस्ट को देखिए, लेकिन आम आवाम के इंटरेस्ट को भी देखिए। तो ये टिप्पणी आई, मैंने चेयरमैन साहब से कहा, एक्सपंज करने से सिर्फ बात नहीं बनी, पूरा बिहार, पूरा हिंदुस्तान आहत है। पीयूष गोयल जी को माफी मांगनी होगी, और अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो मैं चार्ज करता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी, अपने भाजपा अध्यक्ष, उनके इशारे पे उन्होंने बिहार को अपमानित करने का काम किया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।